that's caught in the crossfire. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है R15 मॉडिफिकेशंस। तो आप सब मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैंने इसके जो फ्रंट लुक है वो कैसे चेंज किया। ठीक है, तो ये पहले बता दूँ, इसका नाम है डेविल। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कि मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहे और मैं एक के बाद एक वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। ठीक है, तो मैं मेरा फुल ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोग को बता पाऊँ कि मैंने इसको ये लुक कैसे दिया। तो आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए हेडलाइट का, और ये है बाइक का फुल ओवरऑल लुक। ठीक है, तो ये बाइक को मैंने कैसे बनाया ये आप मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे सब पूछ रहे थे कि मैंने इसके हेडलाइट्स कैसे चेंज किए, तो मैं आप लोग को हेडलाइट्स का एक क्लोज लुक दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये दो गाड़ी के हेडलाइट्स का मिक्स है, एक है R15 वर्जन 3 और एक R3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो इसके जो मैंने आप लोग को सबको या फिर कुर्ला जाना पड़ेगा या फिर आप यामाहा के शोरूम से भी ये एक जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ परचेस कर सकते हैं। वो है कि R3 के जो हेडलैम्प्स और उसका फ्रंट ब्रैकेट, ठीक है, वो इजीली माउंट हो जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो R3 का फ्रंट हेडलाइट लेना पड़ेगा और उसका ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ब्रैकेट मतलब जो इन द सेंस, देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा आता है वो। ठीक है, आप देख सकते हो ये ब्रैकेट है, ये क्या करता है, ये अपने जो बॉडी रहेगा, समझ लो ये वो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, वहाँ पे ये ऐसा अटैच होगा और इससे जो अपना हेडलाइट है वो माउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को परचेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको ये जो विंडस्क्रीन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो ग्लास है वो लेने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ काम नहीं आने वाला है। मैंने इसे लिया था पर मैंने उसके बाद बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए, तो अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ लेने पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग को लेना पड़ेगा ये R3 का हेडलाइट और उसका माउंट पीछे का, जो मैं आप लोगों को बताया ब्रैकेट वो। उसके बाद ये ब्रैकेट और माउंट लगाने के बाद आप लोग को थोड़ा सा ब्रैकेट में जो ब्रैकेट था उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें क्या ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग को ये ब्रैकेट को जिस तरह से आता है, इसमें हम लोग को अपना स्पीडोमीटर बिठाने के लिए यहाँ पे एक सेकेंड मुझे उसे कोई जगह पर रखना दो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे वो अपने पुराने R15 वर्जन 2 के ब्रैकेट में से अपना हेडलाइट का जो असेंबली जिस पे फिट होता है उसको निकाल के यहाँ पे वेल्ड कराना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपका मीटर बैठ जाएगा। ठीक है, तो और मीटर और रेक्टिफायर दोनों बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करने का है, वो बिठाने के बाद आपको हेडलाइट्स में स्क्रू दिखेंगे, वो सारे स्क्रू लगा के इसको माउंट कर देने का है। फिर आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि इतना जगह खाली हो जाएगा, क्योंकि अपना जो R15 वर्जन 2 का हेडलाइट आता था पूरा वन साइड, मतलब यहाँ से पूरा वन पीस में आता था, पर ये R3 के हेडलाइट्स में उसका जो साइड के पूरे बॉडी पैनल आते हैं वो वन पीस में आता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट जो इतना गायब रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा खुद से। तो मैंने भी इसे मेटल का बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्ट मेटल का है, ये मैंने इसे ऐसा कट करके ये कर्व दे के ये सेम लाइन बिठाया मैंने इससे, और ये पार्ट मैंने बनाया है। फिर ये दोनों पार्ट बनाने के बाद इस तरफ से भी सेम ऐसे किया है। ठीक है, वो दोनों पार्ट बढ़ाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, हेडलाइट जो है स्टेडी हो जाएगा, खड्डे में हिलेगा नहीं, ना कि थोड़ा भी वाइब्रेट मारेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि R15 वर्जन 3 के, ध्यान से सुनो, R15 वर्जन 3 के जो आगे का काउल और ये जो ग्लास लेना पड़ेगा, ये आपको अराउंड 1600 के आसपास में मिल जाएगा दोनों ग्लास। आई थिंक सो 1300 का है, 300 का है, और ये जो आपको ये मिलेगा अराउंड 1300 या 1200 का, अकॉर्डिंग टू यू जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को पता चल गया मैं कैसे बिठाया है। तो यहाँ पे आपको इसमें इसके जो सारे क्लैंप्स होते हैं उसको काटने पड़ेंगे। उसके बाद एक, दो और तीन, ये तीन स्क्रू के मदद से आप लोग को ये आगे का पार्ट बैठ जाएगा। और उसके साथ आप लोग को लेना पड़ेगा ये नंबर प्लेट होल्डर जो कि है R15 वर्जन 3 का। ठीक है, तो वो करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ये वाला लुक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई और दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोग के सारे दिक्कत सॉल्व कर दूंगा और मैं आप लोग को बता दूंगा कि अब मैंने इसमें क्या किया है। और अगर आप लोग को कुछ अगर ये पार्ट चाहिए जो साइड का, आप ये पार्ट देख सकते हो, अगर आपसे ये पार्ट नहीं बन रहा है तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आप लोग को आपके एरिया तक कुरियर कर दूंगा। तो टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, और आप साइड का बाइक का लुक देखो उसके वजह से कितना स्पोर्टी हो जाता है, और ये R1 स्टाइल
लगता है पूरा, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग को ये चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो यार, और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, भूल जा रहे हो तुम लोग, वीडियो तो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो।